से बहुत घूमा यार, नहीं मिल रहा है, क्या करे। सॉरी सिम्बा। सो फाइनली, जैसे कि मैं बारिश की इतनी बुराई करता था, इतना कोसता था मैं बारिश को, ऐसा लगता है भगवान ने सुन ली मेरी। पिछले कुछ दो तीन दिनों से बहुत बारिश ही नहीं हो रही है, रात को बूंदे गिरती है फिर नहीं गिरती। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। आज है 20 तारीख, मतलब 20 जून, एंड आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, बिकॉज मैं भी बहुत अच्छा हूँ, सेफ हूँ। बस वैक्सीन लेने का देर है, मैं तो स्लॉट ढूंढ रहा हूँ कि वैक्सीन कब मिले ताकि मैं मेरी फैमिली को सबको वैक्सीनेशन दिला दूँ। मिल नहीं रहे यार स्लॉट्स, आई डोंट नो किधर जा रहा है, मतलब स्लॉट्स ऐसे ना छोड़ो, जब मिलेंगे तभी हम वैक्सीन लेंगे। बिकॉज मैं पूरा दिन शॉप पे रहता हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो मुझे वैक्सीन लेना ज़रूरी है, तो मैं लूँगा, बहुत जल्द लूँगा वैक्सीन। मैं ढूंढ रहा हूँ अभी स्लॉट्स इधर उधर सेटिंग लगा के, मिल जाएगा बहुत जल्दी। बाहर हो रही है इतनी कड़ाकेदार धूप, मतलब बोलते ना, कोई बोल ही नहीं सकता कि 3 दिन पहले मुंबई में इतना बारिश हुआ था कि पूरा बोलते ना भर गया था सब कुछ, तो और इतनी गर्मी हो रही है। चलेगी मेरे को गर्मी, सीरियसली बोलूँ मैं गर्मी झेल लूँगा, लेकिन मैं बारिश नहीं झेलूँगा। गर्मी क्या, मेरे को चल जाएगी गर्मी। मैं ब्लॉग करने के टाइम पे पंखे दोनों बंद रखता हूँ, ये भी और वो भी, तो मेरे को चल जाती है यार गर्मी एक टाइम पे ना, मैं झेल लूँगा, पसीना निकलेगा जो भी निकलेगा, बट मेरे से बारिश नहीं, वो चिक चिक नहीं झेला जाता। तो ये देखो ये पूरी कड़कदार धूप है आज, ये मेरा आदमी देखो, मेरा पुतला बेचारा खड़ा है धूप में, तो बहुत भयंकर धूप है। टाइम हो रहा है 12:30, दुकान पे मैं बहुत पहले आ चुका था, 10:30 बजे आज गया था मैं दुकान पे, एंड मन नहीं था मेरा आज, बहुत बोरिंग दिन जा रहा है मेरा, तो मन नहीं था मेरा ब्लॉग करने का। तो अगर ये ब्लॉग पूरा हुआ तो ही अपलोड होगा, नहीं तो ये ब्लॉग अपलोड नहीं होगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं चीज़ें निकाल पाऊँ। सो लेट्स सी क्या होता है और कैसे होता है, तो देखते हैं अपना कैसा जाता है। एंड मैं बहुत जल्दी कहीं तो जाने का ट्राई कर रहा हूँ, नथिंग इज़ फिक्स्ड, बिकॉज मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि ट्रैवलिंग ब्लॉग बना, थोड़ा ट्रैवल कर इधर उधर, तो मेरे प्लान्स है एक बार घर का काम निपट जाए तो भाई दुकान पे आ सकता है, तो उसके बाद मैं जा सकता हूँ कहीं घूमने के लिए या फिर बोलते ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज मेरा भी बहुत मन। अपना खाना आ चुका है एंड अभी खाना खा दे, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 बजने आ गया, मेरे को भूख लगी, तो देखते हैं मम्मी ने क्या भेजा है, अच्छा भेजा होना चाहिए, बिकॉज मेरे को बहुत ज़ोरों की भूख लगी और ऐसे टाइम पे मैं नहीं चाहता कि कुछ विंडी विंडी आए और मेरा मूड खराब हो। लेट्स सी क्या है। चम्मच आया है, मतलब राइस तो हो गई। yeah. तो मेरी एक फेवरेट चीज़ तो आ चुकी है, अभी तो चपाती भाजी के टाइम पे मैं देखूंगा कि उसके अंदर क्या है। अभी जब चपाती भाजी खुलेगी तब पता चलेगा कि भाजी का ही की है, चपाती तो चपाती है वो पता है, लेकिन मैं सिर्फ अभी तक देखा नहीं है, मैंने कसम से नहीं देखा, तो मैं सिर्फ बोलते ना एक अनुमान लगा रहा हूँ कि भाजी शायद से बटाटे की होगी। गैस देखते अपना सही होता है कि नहीं, लेकिन कसम से मैंने नहीं खोली सच्ची में। तुम्हारा भाई एकदम सही था, ये देखो भाजी बटाटे की ही है, एकदम सही था मैं। और मम्मी ने ऐसे मतलब चपाती के अंदर भाजी डाल के दिया है, बिकॉज घर पे काम चालू है, तो मेरा टिफिन बॉक्स किधर है वो पता नहीं, सब शिफ्ट किया है दूसरे रूम में, तो टिफिन बॉक्स नहीं मिल रहा है मम्मी को, तो मम्मी ऐसे फिर फॉइल पेपर में डालती है एंड देन भाजी मेरे को चपाती में डाल के देती है पिछले कुछ 2-3 दिनों से। तो खाना तो अच्छा है, मतलब भिंडी भिंडी नहीं है, तो ये खा लेते हैं। चार बजने आए, अभी वाइंड अप करने का टाइम है, बिकॉज आज से वही जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोला, आज से 4 बजे बंद करने का टाइम है, तो 4 बजे बंद करना पड़ेगा, रूल है तो फॉलो करना पड़ेगा। भिंडी फट जाएगी, नहीं 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 पागल, पहले का अभी का नहीं, अभी नहीं आ रहा है किधर,
दांत टूट रहा है ना तो उसको खून आते रहता है मुंह से, तो हम लोग डर जाते हैं कि क्या हो गया। सिम्बा यार ये मेरे को ना एडिटिंग नहीं करने देगा। ये देखो, ये देखो गले में चाबी लटका के रखा है, ये देखो। और एडिटिंग नहीं करने देना, मेरे को व्लॉग अपलोड करना है यार 7:30 बजे। सिम्बा सिम्बा हर चीज व्लॉग अपलोड करना है मेरे को, भी इसका खाना लेने भी जाना है और फिर घर का शिफ्टिंग भी है आज। हालत देखो मेरी, पूरा पसीना पर। हाय बोल, हाय बोल। लास्ट टाइम मैं जब इस रोड से गया था ना, जब ये साइक्लोन आया था, तभी गया था रोड से, तो यहाँ पे इतना इतना नी तक का पानी था इस पूरे रोड पे, ये पूरा भरा हुआ था यहाँ पे। वैसे ये है बहुत खूबसूरत रोड, यहाँ पे सनसेट दिखता है ना, मतलब ऑलमोस्ट विरार ही है आधा। वो बाइक वाला वहाँ से मेरे को थम दिखा के गया, बिकॉज वो भी शायद से उसके ना बाइक पे सब नेपाल नेपाल के स्टिकर लगे, तो वो शायद से ब्लॉगर ही होगा वो भी, मे बी। सो गाइज हम आए अभी सिम्बा का खाना लेने के लिए, नाला सुपर टू विरार आया हूँ मैं सिम्बा का जस्ट खाना लेने के लिए। वहाँ पे देखो अंकल है ना, बच्चों को खाना दे रहे हैं, फटफट खाना ले लेते हैं और फिर मिलते हैं। जो अपने पप्पी को चाहिए था वो तो मिला नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, बड़े एडल्ट का है, तो अभी मेरे को दूसरे जगह देखना पड़ेगा। यही होता है यार पप्पी का फूड का है ना, यही होता है। और दूसरा अपन दे नहीं सकते बिकॉज फिर उसको लूज मोशन वगैरह चालू होते, तो अभी दूसरे जगह चेक करते, होप सो मिल जाए। सो अभी यहाँ पे भी एक पेट स्टोर है, यहाँ पे विल चेक, मिला तो यार नसीब, मिलना तो चाहिए, लेट्स सी। वो तो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि 2 दिन में अवेलेबल होगा, तो मे भी मेरे को 2 दिन सिम्बा को दही चावल पे रखना पड़ेगा। आई डोंट नो ये अच्छा है कि नहीं, बट कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो मैंने ये ले लिया। ये उसके लिए लेना था स्टार कोट, तो उसके हेयर्स के लिए एंड उसके स्किन के लिए भी अच्छा रहता, उसको थोड़े इन्फेक्शन हो रहे हैं ना इधर उधर रैशेज जैसे, तो ये ले लिया। तो अभी यहाँ से निकलते घर जाते एंड बहुत घुमा यार, नहीं मिल रहा है, क्या करे, सॉरी सिम्बा। पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, इधर ब्लू है इधर ब्लैक है, गिरेगा बारिश, उसके पहले मैं घर पहुँचना चाहता हूँ बाबा, मैं नहीं गिरना चाहता। एक तो खड्डे इतने आ रही है ब्रिज पे, सीरियसली सही टाइम पे घर पे आ गया मैं, बारिश चालू। चालू, ये सब साफ सफाई हो गया, सब अभी शिफ्टिंग चालू। हालत खराब हो गया, पूरा हाथ पंप हो गया, पूरा जिम जाने की जरूरत ही नहीं।